नाजरीन, कौमी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह ने इंजरी के बायस आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल न होने पे अफसरदगी का इजहार किया है। चीफ सेलेक्टर अंजुम अमरख ने कौमी टीम का ऐलान करते हुए कहा है कि नसीम शाह का वर्ल्ड कप से बाहर होना हमारे लिए बड़ा धचका है, लेकिन ये गेम का हिस्सा है। अंजुम अमरख का कहना था कि नसीम शाह की जगह हसन अली को टीम में शामिल किया गया है। हसन अली एक तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं और उनकी माजी में पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस भी रही हैं। याद रहे कि नसीम शाह एशिया कप के दौरान भारत के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार होकर न सिर्फ टूर्नामेंट बल्कि वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए थे। और तबी माहिरीन के मुताबिक नसीम शाह को दोबारा ग्राउंड में वापसी के लिए 4 से 5 माह दरकार होंगे। कौमी टीम के ऐलान के बाद अब नसीम शाह ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है और जिसमें उन्होंने लिखा है कि बोझल दिल के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं वर्ल्ड कप में नहीं होऊंगा, मैं मायूस हूँ, लेकिन मेरा यकीन है कि ये सब अल्लाह के हाथ में है। नसीम शाह ने मजीद लिखा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मैदान में होऊंगा। तमाम फैंस का शुक्रिया जिन्होंने मुझे दुआओं में याद रखा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।